हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है आज हम देखने वाले हैं साइकेटिक नर्सिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है आपका नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के में हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एम्स क्या है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इसके देन स्ट्रेटजीज अप्रोचेज एंड कंपोनेंट्स तो लेट्स कंटिन्यू फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैल्थ प्रोग्राम नाइनटीन एटी टू में लॉन्च किया कीपिंग कीपिंग इन बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस इन दम्युनिटी जो भीटल इलनेस काम्युनिटी का उसको कम करने के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया द एपोल्यूट इन एडिकुसी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री टू डील इट जो भी मेंटल हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एडिक्वेसी बनाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जो कि जो भी कंट्री है मेंटल हेल्थ केयर को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रिपेयर हुआ है मेंटल हेल्थ केयर को लेकर उसको डील करने के लिए इस प्रोग्राम को प्रिपेयर किया गया है नेक्स्ट है एम्स नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के एम्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ये ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट आर एसोसिएटेड टू डिसेबिलिटी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो डिसेबिलिटी से एसोसिएटेड होते हैं उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया गया इसका एम है यूज ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव जनरल जितने भी मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया गया है इसको एप्लीकेशन ऑफ मेंटलिपल जितने भी मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल है नेशनल डेवलपमेंट में इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इसको एप्लीकेबल किया गया है नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एसेबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द फेसिबल फ्यूचर इंश्योर करता है ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की जो भी मेंटल हेल्थ केयर है इसकी एसेसिबिलिटी लोगों तक इसको कैसे पहुंचाया जाए ताकि उनकी फ्यूचर में ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कम से कम हो ज एप्लीकेशन ऑफ मेंटल इन जनरल डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेट इन द मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट एंड टू स्टमुलेट एफर्ट्स टूवर्ड्स सेल्फ हेल्प इन दम्युनिटी ये कम्युनिटी को प्रमोट करता है ताकि कम्युनिटी क्या करे मेंटल हेल्थ सर्विसेज के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट हो जिससे की सेल्फ हेल्प कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटेजी इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ विथ प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये क्या करता है मेंटल हेल्थ को पूरा मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट करता है प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू

लाइक देंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ये क्या करता है इराडिकेशन करता है स्टेगमेटाइजेशन जितने मीन भी जितने भी मेंटल हेल्थ को लेकर मिथ्स है लोगों की लोगों की जो भी गलत धारणाए हैं उसको इराडिकेट करता है साथ ही साथ मेंटल इल पेशेंट के जो राइट होते हैं उसको regulate करता है. तो रेगुलेट करता है किसके थ्रू रेगुलेट करता है लाइकवाइज सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू या फिर स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोचेस हमने स्ट्रेटेजी देखा आई होप आपको क्लियर हो नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोचेस इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ क्या करता है इंटीग्रेशन मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज को इंटीग्रेट करता है विद द एक्सिस्टिंग जनरल सर्विसेज जितने भी जनरल सर्विसेज होते हैं उसमें मेंटल हेल्थ केयर को भी प्रमोट करता है

हेल्थ स्टाफ हैं उनको टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग के लिए एप्रोप्रिएट प्रोविजन प्रोवाइड करता है एंगेजमेंट प्रोवाइड करता है लिंकेज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज विद द एक्सिस्टिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये क्या करता है जो भी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है इसको जो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज है कम्युनिटी डेवलपमेंट में उसके साथ लिंक करने का काम करता है नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट तो कंपोनेंट मीन्स जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है वो कहाँ कहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं किस किस लेवल पे तो फर्स्ट है ट्रीटमेंट के लिए हम प्रोवाइड करते हैं सेकेंड रिहेबिलिटेशन के लिए थर्ड है प्रिवेंशन के लिए तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मल्टीपल लेवल जो कि विलेज लेवल पे होते विलेज लेवल पे आपको क्या रहेगा विलेज और सब सेंटर लेवल पे जितने भी मल्टीपर्पज वर्कर हैं उनको इसके बारे में नॉलेज रहना है हेल्थ सुपरवाइजर को रहना है अंडर द सुपरविजन ऑफ मेंटल ऑफिसर जितने भी मेंटल ऑफिसर्स हैं उनके सुपरविजन में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है इसमें जो भी विलेज लेवल पे है मेनली सब सेंटर लेवल पे सारी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है देन नेक्स्ट है आपका पीएससी लेवल पीएससी लेवल पे आपका आ जाएगा सुपरविजन मल्टीपर्पज वर्कर्स के थ्रू सुपरविजन किया जाएगा देन एलिमेंट्री डायग्नोसिस हुए होंगे यहाँ पे देन ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस उनका ट्रीटमेंट होगा देन मैनेजमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर्स के यहाँ ट्रीटमेंट किए जाएंगे, जाएंगेजिकल सर्वेलेंस ऑफ मेंटल मोबिलिटी जितनी भी एपिडोमोलॉजिकल सर्वेलेंस है मेंटल मोबिलिटी की मोरबिडिटी की उसको यहाँ पे डायग्नोज किया जाएगा आइडेंटिफाई किया जाएगा देन नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका रहेगा थर्टी टू फिफ्टी साइकेट्रिक बेडेड यूनिट होना चाहिए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और वहाँ पे पर्टिकुलर साइकेट्रिस्ट रहेगा यहाँ पे विलेज लेवल पे हम देख रहे थे मेडिकल ऑफिसर देख रहा था लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या रहेगा साइकेट्रिस्ट ही उस पेशेंट को डील करेगा देन आपका नेक्स्ट रहेगा मेंटल हॉस्पिटल एंड टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट इसमें मल्टी स्पेशलिटी में, में आपका पर्टिकुलर एक मेंटल हॉस्पिटल रहेगा ये करेगा जो भी केयर ऑफ डिफिकल्टी के डिफिकल्ट केसेस रहेंगे मेंटल हेल्थ के उसकी केयर करने के लिए टीचिंग प्रोवाइड करेगा ओनली मेंटल हेल्थ को स्पेशलाइज फैसल फैकल्टीज रहेंगे यहाँ पे लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यूनिट साइकोथेरेपी यूनिट काउंसलिंग एंड बिहेवियरल थेरेपी यूनिट्स ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे देन रिहेबलीटेशन जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो चुका है उसको अपने डेली रूटीन एक्टिविटी को प्रीवियसली प्रीवियस एक्टिविटी की तरह रेगुलर करने के लिए हम कुछ कुछ एक्टिविटीज कराते हैं तो अंडर द रिबिलिटेशन सब प्रोग्राम इंक्लूड रहेंगे जैसे कि आ, एपिलेप्टिकल एंड साइक, साइकोटिक्स इन द कम्युनिटी लेवल एंड डेवलपमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर जितने भी डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड प्रोग्राम करा के हम वहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे इनको डेली एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं देन प्रिवेंशन प्रिवेंशन लेवल पे हम क्या करेंगे रिस्क आइडेंटिफाई करके उन डिजीज से कैसे प्रिवेंट करना है उस डिसऑर्डर से कैसे प्रिवेंट करना है इन सारी चीजों के बारे में हम कम्युनिटी को अवेयर कराएंगे तो आज की वीडियो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम या वीडियो कंप्लीट होता है आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स आपको मिलते रहे तो के लिए थैंक यू